अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सोमवार को बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की मंजूरी मिलने के बाद अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का रास्ता अब साफ हो चुका है। सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से 2022 में निर्वाचित हुए अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली दो याचिकाएं वापस ले ली गईं। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने पर अवधेश प्रसाद द्वारा विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद ये सीट रिक्त हुई थी। मिल्कीपुर सीट पर फिर उपचुनाव की जरूरत पड़ी थी। अब इस बात को लेकर बीजेपी नेता गोरखनाथ की तरफ से कहा गया है कि सपा चुनाव लटकाना चाहती थी, इसीलिए कोर्ट में वकील खड़े कर दिए थे। हालांकि फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद उल्टा बीजेपी पर ही निशाना साधते नजर आए। ये देखिए, ये जो रिट है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार हमसे हारे थे उनके द्वारा थी, और रिट उनके द्वारा थी, और 4 जून को फैजाबाद लोकसभा के लोग तुल्य देवतुल्य मतदाताओं ने प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ सरजू माई कृपा से, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की कृपा से हम सांसद बन गए। 4 जून को डिक्लेरेशन हो गया। 12 जून को मैंने इस्तीफा दिया उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जी को। माननीय अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश ने हमारे इस्तीफे को स्वीकार किया और उन्होंने मिल्कीपुर की सीट वैकेंट घोषित कर दिया और नोटिफिकेशन कर दिया, जिसकी सूचना चुनाव आयोग को, सरकार को और संबंधित अधिकारियों दी गई। तो जिस समय हम चुनाव जीत गए, सांसद हो गए लोकसभा फैजाबाद जनपद अयोध्या के, तो रिट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उठा लेना चाहिए था, क्योंकि वो जब सीटें नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। कानून की निगाह में उन्होंने उठाया नहीं, और जब उठाया भी, उठाने का प्रयास किया तो उनकी तरफ से जो प्रोसीजर होता है न्यायालय में, तो प्रोसीजर होता है कि नियमों के तहत हमारी अपील होगी, हमारी प्रार्थना पत्र होगा, हमारी रिट होगी, तो उसमें उन्होंने खामी कर दिया था। अब पता नहीं जानबूझ के खामी थी कि उनके वकील साहब के ना समझी हुआ। बहरहाल उस पर न्यायालय की तरफ से निर्देशित किया गया कि गजट, सरकारी गजट करके, और जो पार्टी है उनको नोटिस करके, सर्व करके तब एप्लीकेशन लेकर आई। बीच में अदालत पे हाजिर भी नहीं हुए। आज मुझे जानकारी मिल रही है माननीय न्यायालय की तरफ से निर्णय हो गया और रिट जो उन्होंने दायर किया था उस रिट को वापस लेने के लिए आदेशित कर दिया गया। अब चुनाव का सवाल है। चुनाव तो अब चुनाव आयोग के ऊपर है और सरकार के ऊपर है, सरकार के ऊपर है और चुनाव आयोग के। मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इस मामले में यथाशीघ्र। अब क्योंकि मिल्कीपुर सीट पर कोर्ट का फैसला आ चुका है और नियमों के मुताबिक कोई भी सीट खाली होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, फिर चूंकि ये मामला हाई कोर्ट में था इसीलिए यहां चुनाव नहीं कराया जा सका। 4 दिसंबर को 6 महीने की मियाद पूरी हो रही है। लखनऊ हाईकोर्ट की ऑर्डर कॉपी अब चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। अब आयोग तय करेगा कि मिल्कीपुर में उपचुनाव कब होना है। मगर जिस तरह यूपी के हाल ही में हुए उपचुनावों में सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली, उससे ये तो तय हो गया है कि मिल्कीपुर का चुनाव अब बेहद दिलचस्प होने वाला है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।